यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे मेरठ संवाददाता सुधीर चौहान के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। नमस्कार, एबीपी गंगा की टीम पहुंची है मेरठ के सबसे पॉश मार्केट आबुलैन मार्केट में और हम मौजूद हैं यहाँ पर सोनू टी स्टॉल पर। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर इस समय देश के अंदर और खासकर प्रदेश के अंदर क्या माहौल है, आखिर चल क्या रहा है। क्या नाम आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, बताइएगा कि आखिर आजकल आप यहाँ पहुँचे हैं चाय की दुकान पर, चर्चाएँ होती हैं मुद्दों को लेकर के, तो आपके हिसाब से क्या चल रहा है? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी बहुत सारे समीकरणों पर डिपेंड करेगा, लेकिन व्यापारी के मन में अभी लेकर कुछ आशंकाएं हैं कि GST को लेकर या ऑनलाइन की प्रतिबंधों को लेकर या किसी बारे में भी, तो उम्मीद कर रहा है व्यापारी के सरकार कुछ राहत देगी तो फिर सरकार के साथ जाया जा सकता है। आपका क्या नाम है? अमरदीप शर्मा। अमरदीप जी, इस समय क्या चल रहा है आपके हिसाब से देश में? देखिए, देश में तो महंगाई चल रही है और तो कुछ चल नहीं रहा है। अभी जितनी महंगाई चल रही है उससे ज़्यादा कुछ और चल रहा है। रोज़ आए दिन हर चीज़ पर पैसे बढ़ रहे हैं, घटने का कुछ नाम नहीं है। अगर सरकार महंगाई पे काम नहीं करती तो शायद 2022 में आना मुश्किल है। आपका क्या नाम है? जी, आशीष मिश्रा। ये बताइएगा कि क्या चल रहा है आप आजकल? आजकल तो बस वही चल रहा है जो जैसे हमारे भाई ने बोला कि ये महंगाई ही चल रही है। सरकार को तो सबसे पहले आज के डेट में जो है महंगाई पे कंट्रोल करनी चाहिए। अभी हम लोग जो है एम्प्लॉई हैं तो हम लोगों को तो अभी सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोल की मार, जो हम लोग पहले 70-75-80 रुपये में भराते थे, आज वो 95 रुपये में भरा रहे पेट्रोल। ये भाई साहब भी चाय हाथ में है, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, ये बताइएगा क्या करते हैं आप? जी, मेरी शॉप पे व्यापारी हैं। व्यापारी, ये बताइएगा कि 2022 को लेकर के क्या है? बहुत परेशान है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, मैं गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ हूँ।